हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु, कैन यू हियर? या हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, वी कैन एक स्टार्ट मिनट, नाउ। महाराज आ रहे हैं वॉशरूम में। एक सेकंड। कोई बात नहीं प्रभु। आई विल कॉल हिम इन इंडिया गुरु महाराज, बिकॉज डेफिनेटली ओनली ही नोज। यस महाराज, दैट I logged in your manage for the class. I logged in here. Prabhu, एक सेकेंड। कोई बात नहीं प्रभु जी, प्रभु तब तक मैं हिंदी में पढ़ दूं क्या? आप श्लोक पढ़ना शुरू कीजिए। ओके माता जी, दिस 12 कौन सा? 11:22:45 यू विल स्टार्ट राइट? यस यस प्रभु। हाँ जी। ओके। सोयम दीपो अर्चित अर्चित साम यद तत्स्रोतस्तां तदीं जलं सोऽयं पुमानितं नृणा मृषा गृधी मृषायुषां। सः यः अयं वही दीप प्रकाश अचिरश्याम, दीपक की ज्योति, यद्वत् जिस तरह स्रोतसां नदी के भीतर बहने वाली धारा के, तत् वह इदं वही जलं जल। सः यः अयं वही पुमान व्यक्ति इति इस प्रकार नृणाम मनुष्यों के, मृषा झूठा, घी कथन, धीः विचार, मृषा आयुषाम व्यर्थ जीवन बिताने वालों के, यद्यपि दीपक प्रकाश के प्रकाश की यद्यपि दीपक प्रकाश में प्रकाश की असंख्य किरणों का सृजन, रूपांतर और क्षय होता रहता है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति जब क्षण भर के लिए इस प्रकाश को देखता है तो वह यह झूठी बात कहेगा, यह दीपक का वही प्रकाश है। जिस तरह प्रवाहित नदी में जल को जो निरंतर बहकर आगे बढ़ता जाता है, किसी एक बिंदु को देख कर कोई यह मिथ्या कहे यह नदी का वही जल है, इसी तरह यद्यपि मनुष्य का शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु जो लोग अपने जीवन को व्यर्थ कमाते हैं वे झूठे ही यह सोचते हैं और कहते हैं कि शरीर की प्रत्येक विशेष अवस्था इस व्यक्ति की असली पहचान है। तत्पर रूपवाद के भक्तों के द्वारा, यद्यपि मनुष्य कह सकता है कि यह दीपक का वही प्रकाश है, किंतु प्रति क्षण असंख्य प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं, परिवर्तित होती हैं और नष्ट होती रहती हैं। इस तरह यद्यपि मनुष्य यह कह सकता है कि नदी का जल वही है, किंतु विभिन्न जल अणु निरंतर बहते जाते हैं। इसी तरह जब कोई किसी बालक से मिलता है तो वह शरीर की इस क्षणिक अवस्था को उस व्यक्ति की असली पहचान उस बालक के रूप में मान लेता है। इसी तरह वृद्ध शरीर को वह वृद्ध पुरुष मान बैठता है, किंतु तथ्य तो यह है कि मनुष्य का शरीर दीपक की लौ तथा अथवा नदी के प्रवाह की तरफ प्रकृति के जो भगवान की शक्ति है गुणों का रूपांतर मात्र है। पुरुष की असली पहचान आत्मा है जो कि कृष्ण का अंश है, किंतु इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह सिद्ध करते हैं कि बद्ध जीव काल की सूक्ष्म गति को देखने या समझने में असक्षम है। मनुष्य भौतिक चेतना की स्थूल दृष्टि से काल रूपी भगवान द्वारा प्रेरित जगत के सूक्ष्म खंड को निश्चित नहीं कर पाता। इस श्लोक का मृषा युषाम शब्द उसको सूचित करता है जो भगवान के आदेशों को समझे बिना अपना समय अज्ञान में नष्ट करते हैं।
ऐसे व्यक्ति शरीर की किसी भी अवस्था को शरीर के भीतर स्थित आत्मा की सही पहचान मान बैठते हैं। किंतु क्योंकि आत्मा में भौतिक परिवर्तन नहीं होते, अतः जब वह आत्मा भगवान की प्रेमा भक्ति के नित्य विविध आनंद में अपने को लगाता है, तो उसे अज्ञान तथा कष्ट का और अधिक सामना नहीं करना पड़ता। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगला श्लोक पढ़ते हैं। मा स्वस्य कर्म बीजे न जायते सोऽप्ययम् पुमान् म्रियते वामरो भ्रांत्या यथाग्नि दारु संयुक्तः। शब्दार्थ, मा मत स्वस्थ स्वस्य अपने ही कर्म बीजेन कर्मों के बीजों से जायते जन्म लेता है सह वह अपि निःसंदेह अयम यह पुमान पुरुष म्रियते मरता है वा अथवा अमरह अमर भ्रांता भ्रांति के कारण यथा जिस तरह अग्नि अग्नि दारु काष्ठ से संयुक्त जुड़ी हुई। मनुष्य न तो पूर्व कर्म के बीज से जन्म लेता है और न ही अमर होने के कारण मरता है। मोह के कारण जीव जन्म लेता है तथा मरता प्रतीत होता है। जिस तरह काष्ठ के संसर्ग से अग्नि जलती है और फिर बुझती प्रतीत होती है। तात्पर्य, यद्यपि इस संसार में अग्नि शाश्वत विद्यमान है, किंतु किसी लकड़ी के टुकड़े विशेष के संसर्ग में वह कभी दिखती है और कभी बुझती है। इसी तरह जीव शाश्वत है, किंतु विशिष्ट शरीर के संदर्भ में वह जन्म लेता है और मरता है। इस तरह कर्म फल जीव पर भ्रामक कष्ट अथवा सुख लादते हैं, किंतु वे जीव के नित्य स्वभाव को अपने आप बदल लेने पर विवश नहीं करते। दूसरे शब्दों में कर्म मोह के चक्र को सूचित करता है, जिसमें एक भ्रामक कर्म से दूसरे का जन्म होता है। कृष्ण भावनामृत जीव को भगवान की प्रेमा भक्ति के दिव्य कार्यों में लगाकर कर्म के इस चक्र को रोक देता है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य कर्म फल की मोहमयी जंजीर से बच सकता है। विल कंटिन्यू माता जी। यस प्रभु, आप सारे श्लोक पढ़। हाँ प्रभु, आप सब श्लोक पढ़ लीजिए। स्टिल 48 राइट ओके। निषेक गर्भ जन्मानि बाल्ये कौमार्य यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्युर मृत्युरित्यव्यवस्थास्तुर्नोर्नवः। निषेक गर्भ स्थापन गर्भ गर्भ वृद्धि जन्मानि तथा जन्म बाल्य बालकाल बचपन कौमार्य कुमार अवस्था यौवनम तथा युवावस्था वयव मध्यम बीच की अधेड़ आयु जरा बुढ़ापा मृत्यु मृत्यु इति इस प्रकार अवस्था अवस्थाएं तनु शरीर की नव नौ गर्भ स्थापन गर्भवृद्धि जन्म बाल्यावस्था कुमारावस्था युवावस्था अधेड़ आयु बुढ़ापा तथा मृत्यु ये शरीर की नौ अवस्थाएं हैं। श्लोक नंबर 48। एता मनोरथ मई मैर्हार्यन यस्योच्छ्वासास्तनु गुणासंगादुपाधते क्वचित् कथि कश्चि जहाहतीश्च। एतः ये मनरथ मई मन के चिंतन द्वारा प्राप्त हह निश्चित ही अन्यस्य आत्मा के से पृथक शरीर का उच्च बड़ा अवस्था अवचा तथा छोटा तनु शारीरिक अवस्था गुण संगात प्रकृति के गुणों की संगति करने से उपादते स्वीकार करता है। क्वचित कभी कभी कश्चित कोई जहाती त्याग देता है च तथा। यद्यपि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, किंतु भौतिक संगति के कारण उत्पन्न अज्ञान से मनुष्य झूठे ही अपनी पहचान उच्च तथा निम्न शरीर अवस्थाओं से करता है। कभी कभी भाग्यशाली व्यक्ति ऐसी मनोकल्पना को त्यागने में समर्थ होता है। तात्पर्य, जिस व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है वह शारीरिक पहचान की मनोकल्पना को त्यागने में समर्थ होता है। इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट निकलने का अवसर प्राप्त होता है हो जाता है। ओके okay. oh my... या चला कहा यार।
वंशकोपातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So in these few verses which we have read this morning, Lord Krishna is giving some very profound instruction to Uddhava to help him establish very clearly the identity of the living entity. तो ये जो कुछ श्लोक अभी आपने पढ़े इसमें भगवान कृष्ण उद्धव को कुछ बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य दे रहे हैं कि जिससे जीव अपनी वास्तविक पहचान कर सके, उसकी आध्यात्मिक पहचान। Lord Krishna describes the nature of the conditioned souls, how they identify with the material body. भगवान कृष्ण बद्ध जीवों का स्वभाव बता रहे हैं कि कैसे वो अपने आप की पहचान इस शरीर के साथ करते हैं। So those people who are under the control of the material energy, out of illusion, they are thinking, where are the body? तो जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के नियंत्रण में है वो ब्रह्म के कारण सोच रहे हैं हम ये शरीर हैं, But the body is constantly changing. परंतु शरीर हमेशा बदल रहा है। In the first verse which we read, text 45, Lord Krishna gives an example about the rays coming from a light. How there are many different rays being constantly created and destroyed. तो जो पहला श्लोक हमने पढ़ा उसमें भगवान उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण है कि कैसे सूर्य से किरणें आ रही हैं और हर समय कितनी सारी किरणें बन रही हैं और कितनी सारे का नाश हो रहा है। He gives one example, the rays of the light, and the other example he gives about flowing river. तो एक उदाहरण भगवान दे रहे हैं सूर्य की किरणों का और दूसरा बहती हुई नदी का। The water is constantly flowing in the river, and it's different molecules of water every moment. पानी हमेशा नदी में बह रहा है और हर समय पे अलग अलग अणु हैं पानी के। It's all different water because the water is flowing. So one drop of water comes and it moves, it goes further, goes away to the sea. तो हर समय अलग अलग पानी है, अलग अलग बूंदे हैं पानी की, क्योंकि पानी हमेशा बह रहा है तो ये बूंदे पानी की हर समय बहते बहते सागर में जा रही हैं। All different molecules of water constantly coming and going. तो ये अलग अलग बूंदे हैं पानी की, नियंत्रित रूप से आ रही हैं और जा रही हैं। In the same way, the material body is constantly changing. इसी तरीके से भौतिक शरीर हमेशा बदल रहा है। But because of illusion, person is not able to understand the changes of the body. He identifies himself with the body. परंतु ब्रह्म के कारण व्यक्ति ये शरीर के बदलाव को नहीं समझ पा रहा है और अपनी तुलना ये शरीर के साथ कर रहा है। And the common people identify themselves with the body. They think, I am young, or they think, I am old, I am a man, I am a woman. तो आम लोग अपनी पहचान ये शरीर के साथ करते हैं, वो सोचते हैं या तो मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। So the different physical conditions of the body we identify with each particular condition. तो अलग अलग स्थितियां हैं इस शरीर की और जीव इन हर अलग अलग स्थिति के साथ अपनी पहचान करने लगता है। If you see a person, a young person with a young body, you think, oh, he's a young man, but he's not a young man. He's just a soul in a young body. तो अगर आप एक
जवान शरीर को देखोगे तो हमको लगता है अरे ये तो कोई जवान व्यक्ति है, परंतु ये कोई जवान व्यक्ति नहीं है, ये तो एक आत्मा है जो केवल जवान शरीर के अंदर है। उसी प्रकार से हम कोई बूढ़े व्यक्ति को देखेंगे तो हमको लगता है तो ये कोई बूढ़ा व्यक्ति है, परंतु वास्तव में वो कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, वो तो एक आत्मा है बूढ़े शरीर के अंदर है। जब लोग शिला प्रभुपाद जी को पूछते थे आपकी क्या उम्र है, तो शिला प्रभुपाद उनको कहते थे मेरी उम्र आपके जितनी ही है। He would tell him, I'm the same age as you. I'm a soul. We're all souls. We're all living in material bodies, but we're all eternal spiritual beings. शिला प्रभुपाद उन्हें कहते थे मैं आपकी तरह ही हूं उम्र में, हम सब आत्मा हैं, हम सब आत्मा हैं इस भौतिक शरीर में रह रहे हैं। The conditioned souls, because the material energy is Krishna's energy. People become conditioned and be identified with the material body. क्योंकि जो जीव है वो कृष्ण की ही शक्ति है, तो वो बद्ध हो जाता है और अपनी पहचान ये शरीर के साथ करने लगता है। Because of our covering of ignorance, we don't see the effect of time, how everything is changing. तो क्योंकि हम अज्ञानता में ढके हुए हैं, हम समय का प्रभाव नहीं देख पाते हैं कि कैसे सब कुछ बदल रहा है। People waste their valuable time in the human body. They never understand the instructions of Lord Krishna. तो लोग अपना मूल्य समय गवा देते हैं इस मनुष्य शरीर में और भगवान कृष्ण के उपदेशों को नहीं समझते हैं। They just identify with the body. Think the goal of life is to satisfy the senses. तो केवल अपनी पहचान इस शरीर के साथ करते हैं और समझते हैं जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय की तृप्ति करना। And instead of engaging in the service of the Supreme Lord, Krishna consciousness, the conditioned soul spends its time in sense gratification. और इसके बजाय कि वो जीव अपना समय कृष्ण भावनामृत में बिताए, वो जीव अपना समय बिताता है इंद्रिय तृप्ति में। And in this way, he's meeting suffering again and again. और इस तरीके से वो पीड़ा उसको मिलती है बार बार। The Lord Krishna then continues to talk about how the living entity actually doesn't take birth. तो भगवान कृष्णा आगे बात कर रहे हैं और कहते हैं कि वास्तव में जीव जन्म नहीं लेता, It doesn't take birth and it doesn't die. ना तो वो जन्म लेता है ना तो वो मरता है। And he gives an example, is it just like fire? Appears in firewood and it begins to burn, but fire has always been in existence. आगे भगवान उदाहरण देते हैं कि कैसे अग्नि लकड़ी में होती है और एक समय पे जलने लगती है, परंतु अग्नि तो हमेशा लकड़ी के अंदर है। So the fire. It begins to burn, and then after some time, the fire will stop burning. But still, fire exists eternally. It's one of the elements of the material nature. उसी प्रकार से अग्नि लकड़ी में है तो कभी वो जलती है कभी वो नहीं जलती है और कभी फिर जलने लगती है, परंतु अग्नि भौतिक तत्व तो हमेशा है। But because of earth. Ignorance, we are thinking the fire has come into existence and the fire has ceased to exist. परंतु अपनी अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं कि अभी अग्नि आई है और फिर अभी अग्नि चली गई है। तो So the same way we think somebody has taken birth, somebody has died. उसी तरीके से हम सोचते हैं किसी ने अभी जन्म लिया है और कोई अभी मर गया है। Birth and death is simply the change of the body.
तो जन्म और मृत्यु केवल शरीर का बदलाव है। इट्स नॉट देयर्स नो क्वेश्चन ऑन बर्थ बिकॉज़ द सोल नेवर टेक्स बर्थ इट्स इटर्नल इट्स एन इटर्नल रिटेंशन जन्म का कभी सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जीव कभी जन्म नहीं लेता है, जीव तो शाश्वत है। जायते मृियते वाक्दाचन फॉर द सोल देयर इज नो बर्थ देयर इज नो डेथ नॉट हैविंग वंस बीन डज ही एवर सीज टू बी ही इज अनबॉर्न इटर्नल एवर एग्जिस्टिंग प्राइमेवल ही इज नॉट स्लेव व्हेन द बॉडी इज स्लेव तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। तो जीव का कभी जन्म ना होता है, ना वो कभी मरता है। ऐसा नहीं था कि जीव अभी आया था और कल फिर चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और जब जीव तो हमेशा के लिए है, शाश्वत है, और जब शरीर मरती है तब जीव नहीं मरता है। So the living entity does not take birth, it does not die, but it appears like it's taking birth. It appears like it's dying. तो जीव कभी ना तो जन्म लेता है ना तो मरता है, पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव जन्म ले रहा है और जीव मर रहा है। Because of the karma, because of the reactions of the material energy. Every living entity experiences some enjoyment and some suffering. तो हमारे कुछ कर्म के फलों के लिए जिस प्रकार से प्रकृति काम कर रही है, उस कारण से हर जीव कभी कुछ खुशी भोगता है और कभी कोई पीड़ा भोगता है। But nothing can be done to ever change the eternal spiritual nature of living entity. परंतु कुछ भी नहीं किया जा सकता जिससे जीव का जो शाश्वत स्वभाव है वो कोई बदल सके। This eternal spiritual nature of the living entity is forgotten because of the ignorance, because of our company. Maya. तो जीव का जो शाश्वत स्वभाव है वो जीव भूल जाता है, क्योंकि हमेशा के लिए वो अज्ञान से ढका हुआ है, माया के कारण। Under the influence of this Maya, we perform many activities, bring us country actions. और माया कर्म करते हैं But if we take up Krishna consciousness, then it can free us from the परंतु अगर हम कृष्ण भावनामृत लेंगे, ये हमको कर्म के परिणाम से बचा सकता है। In the Brahma Samhita, Lord Brahma describes how devotion to Govinda burns up all the reactions of past activity. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कैसे भक्ति गोविंदा की पूरे पहले किए गए कर्म के परिणाम को जला देती है। Yes, Vendra Gopa Mata Vendra Ahosva Karma Bandhana Rupa Palabhajanama Panoti Karmani Nirdahiti Kintu Cha Bhakti Bhajam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Lord Brahma is describing how this is every living entity from the lowest living entity, the Indra Gopa, to the highest living entity, Lord Brahma. They're all under the control of karma. They're suffering and enjoying according to their past deeds. तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा से लेते हुए जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर जीव है, उसको शरीर प्राप्त हुआ है, और एक चींटी से लेके नीचे जो चींटी है, तो चींटी से लेके ब्रह्मा तक कैसे हर जीव अपने अपने कर्म का फल भुगत रहा है। So these karmic reactions are the great burden for the living entity, and we want to remove them because so long as we have karma, we have to stay in the material world.
तो ये कर्म के परिणाम बहुत बड़ा बोझा है जीव के लिए, और हमको उनको निकालना है, क्योंकि जब तक हमारे पास ये कर्म का परिणाम होगा, हमको ये भौतिक जगत में रहना होगा। And to stay in the material world is taking birth in a material body. It means accepting all the different miseries which come with the material birth. और भौतिक जगत में रहना, इसका अर्थ है भौतिक शरीर लेना, जिसका अर्थ है भौतिक शरीर से जो भी पीड़ाएं आती हैं उनको भोगना। These miseries were described in detail in Kapila Shiksha, where Lord Kapila was talking to Devahuti. और ये जो पीड़ाएं हैं इनका गंभीरता से वर्णन किया गया है कपिल शिक्षा में, जब भगवान कपिल देव देवहूति से बात कर रहे हैं। Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Yajnatar Karmanandra, Loko Yam Karma Bandhana. That if we work as a sacrifice for Vishnu, then that will free us from the material energy. भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। अगर हम भगवान विष्णु के लिए कार्य करेंगे यज्ञ की तरह, तो वो हमें इस भौतिक शक्ति से बचाएंगे। But if we work for our own sense gratification, then we're preparing more material bodies. लेकिन अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेंगे, तो हम दूसरे भौतिक शरीर अपने लिए और तैयार कर रहे हैं। Intelligent people will consider how to get free from the karma. तो बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेंगे कि कर्म से कैसे बचें। Because we see the material body is not very pleasant. It goes through so many different changes. क्योंकि हम देखते हैं कि जो भौतिक शरीर है वो इतनी सुखदायक नहीं है, वो इतने सारे बदलावों के साथ गुजरती है। Lord Krishna describes nine different stages of the body. भगवान कृष्ण 9 विभिन्न स्तर शरीर के क्या हैं उनके बारे में बताते हैं। From impregnation at the time of the conception of the living entity. और वो शुरू होता है जब जीव स्थापित किया जाता है एक स्त्री के गर्भ के अंदर। The embryo begins to develop the different organs and different limbs of a body. और फिर वो जो गर्भ में जीव होता है वो विभिन्न विभिन्न जो अंग है शरीर के वो तैयार करने लगता है। After suffering for 9 months in the womb, then it comes time to take birth. That means more suffering. और 9 महीना गर्भ में पीड़ा झेलने के बाद वो जन्म लेता है, जिसका मतलब है और ज्यादा पीड़ा। There's childhood. One is a little child, a little infant, and that's a lot of suffering. You have to learn to walk, you have to learn to talk, you have to learn so many different things in the material body. और फिर वो बच्चा बचपन में आता है जो और पीड़ा होती है। उसको सीखना पड़ेगा कैसे चलना है, कैसे बात करना है, तो एक एक चीज उसको सीखनी पड़ती है दोबारा। With childhood, then you're fighting with other children, and sometimes other kids will beat you. और फिर आगे बचपन बढ़ता है, फिर बचपन में हम देखते हैं एक बच्चा दूसरे बच्चों से कभी कभी लड़ाई कर बैठता है और दूसरा बच्चा उसको मारता भी है। तो The son was playing with the other boys, and they hit him right in the face, punched his eye, but all black. एक भक्त का बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, तो दूसरे बच्चों ने उसको मुक्का मारा सीधा मुंह पे, आंख पे, और उसकी माँ उसकी आंख पूरी काली हो गई। तो Another time, different place. The young boy was beaten badly by another boy. The older boy just came and beat him for no real reason. और एक और स्थान में ऐसे एक भक्त के बच्चे को एक और थोड़ा बड़ा बच्चा आके बुरी तरह से मारा बिना कोई कारण के। Because he was older and more powerful, he came and beat the young boy. क्योंकि वो बड़ा था और ज्यादा शक्तिशाली था, उसने आके छोटे बच्चे को मारा।
this kind of thing continues throughout the childhood. You grow up a little bit, you become a youth, and still it goes on, fighting, being beaten, kicked, and punished. तो इस प्रकार से चीजें चलती रहती हैं। आप छोटे और बड़े होते हो तो लोग लड़ते रहते हैं, मुक्के मारते रहते हैं, लात मारते रहते हैं। Then you come to middle age gradually, and middle age has so many responsibilities. You have old parents, you have young children, so many people depending on you. तो फिर बीच की अवस्था आती है उम्र की, उसमें आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आप बूढ़े बच्चे, बूढ़े माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, सबकी जिम्मेदारी आप पर आती है। And then you come to old age where the body starts to break down and the senses don't function so well anymore. और फिर आप बूढ़ी उम्र में आते हैं जहां पे शरीर पूरा टूट रहा है और इंद्रियां काम नहीं करती हैं, And then you come to death. और अंत में आप मृत्यु पे आते हैं। But with death, that means you give up one body and you go off and get ready to take another body. और मृत्यु का मतलब है आप एक शरीर छोड़ोगे और आगे जाके दूसरा शरीर लोगे। So in this way, the living entity stays in the cycle of birth and death, suffering continually more and more. तो इस प्रकार से जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है और अधिक अधिक पीड़ा भोगता रहता है। But because of materials, because of association with the material energy, we identify ourselves with the material body. भौतिक शक्ति का संग करने के कारण हम अपनी आपकी की पहचान करते हैं भौतिक शरीर के साथ। Actually, the spirit self is different from the material form. परंतु वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है। The material body, some bodies are good, some bodies are bad. Some people have good karma, some people have bad karma. भौतिक शरीर, कोई शरीर अच्छे होते हैं, कोई शरीर बुरे होते हैं। कोई लोगों को अच्छे शारीरिक कर्म है, कईयों को बुरे हैं। One is fortunate. May contact the devotees, they may get to see the bhakti. परंतु अगर कोई भाग्यशाली है, वो भक्तों से संपर्क करेगा और उसको भक्ति का बीज प्राप्त होगा। With that opportunity, then he gets a chance to get free from the cycle of working. और उस अवसर के साथ उसको मौका प्राप्त होता है जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का। We need special mercy. We need a lot of mercy to help us to get out of the bodily condition of life. तो हमें बहुत कृपा चाहिए शारीरिक चेतना से बाहर निकलने के लिए। The material condition of material life, that conception of being the body and being taken and living. In this material body, that conception that I am this person is very deeply rooted and very difficult to overcome. तो ये जो हमारी चेतना होती है, ये जो हमारी गलत फहमी होती है कि मैं ये शरीर हूँ, ये बहुत बहुत गंभीरता से हमारे अंदर ये जड़ बनाए रखा है, ये गलत सोच कि मैं ये शरीर हूँ, और इसको बाहर निकलने के लिए बहुत कठिन होता है। We're fortunate to get the association of some nice devotee. He can help us to get free. और अगर हम भाग्यशाली हैं, हम भक्त का संग पा सकते हैं और भक्त हमारी मदद कर सकता है हमको इससे बचाने के लिए। So, Lord Krishna is encouraging all of us. He says, sometimes some people are able to get free from the material conditions of life. तो भगवान कृष्ण हम सबको उत्साहित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी कभी कोई व्यक्ति इस शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाते हैं। Chaitanya Charitamrita describes Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti La, the beach. That when one is fortunate, then he gets the seed of devotion. और चैतन्य चरितामृत ये वर्णन करता है कि ब्रह्मांड भूमि ते कौन्य भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि
जब कोई भाग्यशाली होता है उसको भक्ति का बीज प्राप्त होता है। और भक्ति लता बीज के साथ उसको भक्ति की प्रक्रिया मिलती है, वो सीखता है किस प्रकार है और किस प्रकार से सुनना है और सुनना और जपना विष्णु या कृष्ण के संबंध में होना चाहिए। तो अगर हम भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली, मनुष्य शरीर में दिया गया है, Which is for self-realization. हमको मनुष्य शरीर का पूरा कार्य करना है, सही लक्ष्य में उस शरीर को लगाना है जो है आत्म साक्षात्कार। It's only by cultivating this consciousness of our spiritual identity that we can escape from the wheel of birth and death. तो ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम तभी ही निकल सकते हैं जब हम हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित करेंगे। Somehow that we can remain fixed in this Krishna consciousness and remain get stronger and stronger every moment in our devotional service. तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम लगे रहें इस कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से और हर समय इस कृष्ण भावनामृत में और शक्तिशाली होते रहें। ठीक Any questions? है, क्या आपको कोई प्रश्न है? Questions in the chat this morning. Have a look. हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण महाराज। आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया हुआ है प्रभु जी। तो एक नहीं, पांच प्रश्न है प्रभु। हाँ, वन ड्यूटी हैज ये फाइव प्रभु क्वेश्चंस यू आस्क। क्या थैंक यू फॉर योर बड़े इंसाइटफुल क्लास व्हिच रिवील्ड द रियलिटी एंड डिस्पेल्ड द इग्नोरेंस दैट ऑफन ऑब्सक्योर्स अवर अंडरस्टैंडिंग। सम पिंचिंग क्वेरीज फ्रॉम द क्लास। महाराज इज फोकसिंग सोलली ऑन द नॉलेज ऑफ द सोल while neglecting proper care of the body an indication of spiritual maturity or does it reflect an incomplete understanding of how to engage the body in service effectively? It's the first question. Well, it could be incomplete understanding. तो प्रभु पूछ रहे हैं कि पूरे ज्ञान आत्मा के ऊपर देना और शरीर की देखरेख को उस जिम्मेदारी को सही से नहीं करना, क्या ये आध्यात्मिक परिपक्वता है, आध्यात्मिक प्रगति है, या ये सही समझ नहीं है कि कैसे हम शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं? तो Ignorance is the cause of all sinful activity. महाराज कह रहे हैं ये शायद अज्ञानता हो सकती है, और महाराज कह रहे हैं कि अज्ञानता कारण है सब पापों का, और ये पाप हमको भौतिक शरीर में रखते हैं। But because we're very attached to sense gratification, we want to enjoy. पर क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हैं, हम भोग करना चाहते हैं, But we have to learn that the real pleasure comes in serving, not in being there. परंतु हमको ये सीखना है कि असली आनंद आता है सेवा करके, न कि सेवा लेके। सेकेंड क्वेश्चन, आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी दैट वी शुड अप्लाई टू अवर सेल्व्स टू कल्टिवेट काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स इवन इफ वी डू नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू एडियर टू द फिलोसफी
स्पेशली ड्यूरिंग देयर हार्डशिप्स। तो प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे तत्व के कोई पहलू हैं जो हमको अपने आप पे लगाने चाहिए, दूसरों के प्रति दया जताने के लिए, उस समय पे भी जब दूसरे तत्व को पालन नहीं कर रहे हैं और जब उनका कठिन समय चल रहा है। Yes, we should be compassionate to the sufferings of all the conditioned souls and think how to help them, how to save them from material life. हाँ, हमको दूसरों के प्रति दयालु होना है और ये सोचना है कैसे उनकी मदद करें उनको भौतिक जीवन से बचाने के लिए। Therefore, we perform activities like Sankirtan to give people an opportunity to hear the holy name. इसलिए हम कार्य करते हैं जैसे कि संकीर्तन, और लोगों को अवसर देते हैं भगवान के नाम सुनने का। We want people to start to chant the holy name. It's very important for their welfare. हम चाहते हैं लोग भगवान का नाम जपना शुरू करें, ये उनके लाभ के लिए बहुत जरूरी है। We have also principles of spiritual life, regulative principles. They're also important. तो आध्यात्मिक जीवन में कुछ कुछ नियम भी होते हैं, इन नियम का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। It's like we say, no meat, fish and eggs, no intoxication, no gambling, no illicit sex. जैसे कि हम कहते हैं मांस मच्छी अंडा नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं। So these things are important. These are all part of our philosophy. तो ये सब चीजें जरूरी है, ये हमारे तत्व का भाग है। And the most important part of our philosophy is the chanting of the holy names. और हमारे तत्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग है भगवान के पवित्र नाम का जप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज, हाउ कैन वन डेवलप टॉलरेंस व्हेन विटनेसिंग अनफेवरेबल इवेंट्स ऑकरिंग अंडर द लॉर्ड्स विजन? महाराज, हम कैसे सहिष्णुता रख सकते हैं जब भगवान के आंखों के नीचे ही हमारे जीवन में असुविधाजनक परिस्थितियां चल रही हैं, When witnessing favorable अनफेवरेबल इवेंट unfavorable. ऑकरिंग अंडर द लॉर्ड्स विजन? Well, all of this, we have to we're tolerant about miseries which are inflicted on our own self. तो हम सहिष्णु रहते हैं उन पीड़ाओं को लेकर जो हम पे डाली गई हैं, हम उसको सहते हैं। But that doesn't mean we stand back and watch other people suffering. We try to help them. पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम खड़े रहें और दूसरों को दुख में देखें, हमको उनकी मदद करनी है। We see people being treated badly in the material world. We should do our best to try to help them, to bring them out of the inauspicious condition. अगर हम दूसरों को देख रहे हैं भौतिक जगत में पीड़ा भोग रहे हैं, तो हमको उनकी सहायता करनी चाहिए उस अमंगल स्थिति से उनको निकालने के लिए। Just like Prabhupada saw people hungry, saw children hungry in Mayapur, and then he said nobody should go hungry within 5 kilometers of the temple. जैसे प्रभुपाद जी ने बच्चों को देखा, लोगों को देखा मायापुर धाम में, वो भूखे थे, तो प्रभुपाद जी ने उस समय कहा कि मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। तो So these are some points about the philosophy. ये कुछ बातें हैं हमारे तत्व के विषय में। Good question. लास्ट क्वेश्चन। वो आप पढ़ लेंगे इंग्लिश में आखिरी वाला, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शिवानंद प्रभु,
आपका म्यूट है प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, ओके, इन चैट इज बॉक्स इट आई कैन सी सेम क्वेश्चन. इट इज फिफ्थ फाइव क्वेश्चन ही आस्क. आफ्टर दैट देयर इज नो क्वेश्चन. नो, दिस वी डिडंट रीड द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन. या इज इट एप्रोप्रिएट टू सेट द गोल ऑफ बिकमिंग अ प्योर डिवोटी फॉर वंस एंटायर लाइफ? क्या जीवन भर के लिए शुद्ध भक्त बनने का लक्ष्य रखना इट उचित है? अप्रोप्रिएट टू हैव द गोल ऑफ बिकमिंग अ प्योर डिवोटी फॉर वंस फुल लाइफ? Yes, we should all want to become pure devotee. हाँ, हम सबको शुद्ध भक्त बनना बनने का इच्छा होना चाहिए। Pure devotee means to become Krishna conscious. शुद्ध भक्त होने का अर्थ है कृष्ण भावना भावित होना। Means to engage in the service of Krishna. इसका मतलब है कृष्ण की सेवा में लगना। They're described in the Bhagavad Gita. Mahatmanas to Mamparta, diving Prakriti. The Mahatmas, the great souls, they're always chanting the glories of the Lord. भगवद गीता में बताया गया है, महात्मानस तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, कि जो महात्मा है, जो महान आत्माएं हैं, वो हमें हमेशा भगवान का गुणगान कर रहे हैं। So devotees should want to be like that. They should want to be engaged in the service of Krishna. तो भक्त को वैसा बनने चाहिए, भक्त को हमेशा कृष्ण की सेवा में रहना चाहिए। At the same time, they should never be satisfied that oh, I'm a pure devotee, but they should think I want to become a pure devotee. और उसके साथ साथ उन्हें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि ओ मैं शुद्ध भक्त हूं। उनको शुद्ध भक्त, मुझे और शुद्ध भक्त बनना है, ऐसे मनोभावना होनी चाहिए। So we should have the desire to become a pure devotee, not that I am a pure devotee. तो हमको इच्छा होना चाहिए शुद्ध भक्त बनने का, ना कि सोचना कि मैं शुद्ध भक्त हूं। ठीक है प्रभु, हो गए पांच। अब और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, विठल प्रणाम। एक जिज्ञासा है महाराज, आत्मा परमात्मा और भगवान में क्या स्थान है? आत्मा क्या बोल रहे हैं प्रभु? प्रभु, आपकी आत्मा आवाज साफ परमात्मा, नहीं आ रही है. परमात्मा और भगवान में? हरे प्रभु आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। कृष्ण प्रभु, आवाज आ रहा है अभी? अरे, हाँ, थोड़ा धीरे बोलिए प्रभु। आत्मा और परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है प्रभु जी? आत्मा परमात्मा और तीसरा भगवान भगवान। परमात्मा भगवान एक ही है ना, तो दो ही होगा ना प्रभु। आत्मा, ओके, जी मैं जी महाराज तो महाराज से पूछ लू। महाराज इज आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन आत्मा परम Paramatma is the pre Atma is a tiny spark. Paramatma is the expansion of the Supreme Lord. तो आत्मा जीव है, परमात्मा परम पुरुषोत्तम भगवान है। आत्मा छोटी सी चिंगारी है भगवान की, और परमात्मा पूर्ण भगवान है। Bhagavan, that is the original Supreme Personality of Godhead, Swayam Bhagavan. भगवान Every personality of Godhead. Oh, obvious. भगवान मूल पुरुषोत्तम भगवान है, जो मूल भगवान है, जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त है। Paramatma is one, what Krishna describes Paramatma as a single fragment of परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, उनके एक अंश हैं, एक छोटे से भाग हैं, जिससे वो पूरे विश्व में भगवान फैले रहते हैं और सब कुछ बनाए रखते हैं। Paramatma function is to guide the living entities back to Godhead out of the material. और परमात्मा का एक कार्य है, वो जीवों को मार्गदर्शन दे इस जगत से बाहर निकलने के लिए। In the Bhagavad Gita, Krishna says, from the Paramatma comes knowledge, remembrance, and forgiveness. भगवद गीता में कृष्णा कहते हैं, परमात्मा से आता है ज्ञान, और उस पर याददाश्त, और परमात्मा से हम बुलाए भी जाते हैं। Paramatma is the overseer, the permitter of activities in the heart of all living entities.
परमात्मा उपदृष्टा है, वो ऊपर से देखते हैं, और अनुमंता है, वो सब चीज की अनुमति देते हैं सब जीवों के हृदय में। भगवान लॉर्ड कृष्णा इज द वन हु इज एंजॉयिंग विद हिज प्योर डिवोटीज और भगवान है जो अपने भक्तों के साथ आनंद कर रहे हैं, इज ऑलवेज सराउंडेड बाय दिस लविंग डिवोटीज वो हमेशा घेरे घिरे रहते हैं अपने प्रेमी भक्तों के साथ। ठीक है प्रभु, ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू महाराज। आप महाराज ने बहुत अच्छा ही वंडरफुल क्लास बहुत ही आसान शब्द में बताया। सो आइए हम सभी भक्त महाराज का जो वैष्णव प्रणाम के द्वारा धन्यवाद करें। वांछा कल्प तरु वांछा भेश्च कल्पतरु पावन वाचा स्वाहा। कृपा सिंधु वाचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक थैंक यू नंदकिशोर प्रभु जी। थैंक यू महाराज। यू प्रभु कृष्ण। सो आइए हम कार्यक्रम के अगले भाग पे चलते हैं और हम जय गोविंद प्रभु जी को आमंत्रित करते हैं। कुछ अगर कोई अनाउंसमेंट है तो उसके लिए। या हरे कृष्ण चरण प्रभु। हरे कृष्ण पूजी। कल एकादशी है, तो कामिता एकादशी तो आज भी है, लेकिन फास्टिंग तुम्हारा उपवास कल कर पूछना है, तो देन अनाउंसमेंट तो देखा फ्राइडे को पूछना। थैंक यू प्रभु। थैंक यू हरे कृष्ण। सो आइए हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे चलते हैं जहाँ पे हम महाराज और भक्तों की स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम हिज होलीनेस जय पताकर स्वामी महाराज के स्वास्थ्य के लिए हिज होलीनेस